सो वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5th। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया था और एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम ऑड नंबरों की चैन जारी हो और हमसे पूछा हो कि इन नंबरों का सम कितना होगा तो हम गिन लेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता चल जाएगा, उसका सम पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, यानी कि हमको बताना है कि जो 49 है ना वो 7 नंबरों का सम है। किन्हीं 7 नंबरों का सम है, बस पिछले वाले क्वेश्चन से ही कंपेयर करो। 49 कैसे बना सकते हैं हम 7 नंबरों में, बताओ। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 11 और 13। जब मैं इनका सम कर दूंगा ना तो ये 49 ही आ जाएगा। देख लो, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। 7 का स्क्वायर करूंगा तभी तो 49 आएगा, है ना। जब भी मैं ऑड नंबरों का स्क्वायर करूंगा तो 49 ही आ जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई बात नहीं, पेज पे आ जाओ। देखो यहाँ पर कैसे देखना है, करना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो हमारे पास क्या बन सकता है, सम कितना बनाना है बताओ। सम बनाना है कितना, 49, ठीक है। नंबर कितने चाहिए हमको, नंबर चाहिए हमको 7। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। प्लस कर लेना बेशक, कितना बन जाएगा ये, 49 ही बन जाएगा। क्योंकि ऑड नंबरों का जब भी सम पूछे तो हम नंबरों का स्क्वायर कर देते हैं, टोटल नंबर का, है ना। चलो अगले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ क्या पूछ रहा है, 1 to 1 कितना बनाना है, सम बनाना है कितना, 1 to 1। और देखो नंबर हमेशा क्या होंगे, 11 नंबर होंगे। यहाँ पे देखो 11 नंबर पूछ रहा होगा, ऑड नंबर, है ना, यानी कि 11। तो कौन से होंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक नंबर और डाल दो यहाँ पे, 21। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।